आज फिर से मैं आप लोग के सामने आके एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली दीपक हुड्डा को टीम में जगह दी गई, उसके बाद से बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल खड़े किए बीसीसीआई से कि दीपक हुड्डा का जो सिलेक्शन था वो कितना ज़्यादा जस्टिफाइड था या कितना ज़्यादा अनजस्टिफाइड था। बट मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ कि दीपक हुड्डा की टीम में जगह बनती थी या नहीं बनती थी। बट फिर भी दीपक हुड्डा की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है और उनके लिए आपके मन में एक रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप क्रिकेट फैन हैं या नहीं हैं। फिर भी इस स्टोरी से आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप हर लाइफ के डिसीजन बहुत ईजिली ले पाएंगे। तो बहुत लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे कि 2021 में जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जा रही थी, तो उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा एक न्यूज़ सुर्खियों में आई थी कि क्रूनल पांड्या, जो बड़ौदा टीम के कैप्टन थे, उन्होंने दीपक हुड्डा को जाके धमकी दी थी कि कुछ किसी वजह से उनकी कहा सुनी हुई होगी और वो कैप्टन थे और उन्होंने दीपक हुड्डा को ऐसा कहा था शायद कि वो उनका करियर ख़त्म करवा देंगे। ये चीज़ दीपक हुड्डा ने ही क्लेम करी थी, इसका बहुत ज़्यादा मुझे भी कोई सबूत नहीं है, बट उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली ये क्लेम करा था। यहाँ तक कि जो बड़ौदा का क्रिकेट एसोसिएशन था, उनको उन्होंने लेटर तक लिख दिया था कि मेरे साथ बदतमीज़ी हुई है और ऐसा मुझे क्रूनल पांड्या ने धमकी दी है कि मैं आपका करियर ख़त्म करा सकता हूँ। तो उसके बाद से ये हुआ कि सिंपल सा वो उन्होंने जो बायो बबल था उस समय, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उन्होंने बायो बबल को तोड़ के वो उस टूर्नामेंट को छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से खुद बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको उस पूरे सीज़न के लिए सस्पेंड कर दिया। पर खुद भी दीपक हुड्डा छोड़ के चले गए थे और उन्होंने ऐसा एक्शन लिया, इसकी वजह से दीपक हुड्डा को सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए उनकी एज उस समय एक यंग एज थी और वो एक एस्पायरिंग क्रिकेटर बनने की तरफ देख रहे थे। उसके बावजूद जब उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट को रखते हुए वहाँ से जाना ही सही समझा। और पर उनके लिए वो जो एक्शन था बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद वो इतना डिप्रेस हो गए, इतना स्ट्रेस हो गए, उन्होंने अपने आप को जाके कमरे में बंद कर लिया था। उन्होंने पूरे तरीके से क्रिकेट से खुद को दूर कर लिया था कि मैं अब कुछ नहीं खेलूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बट यहाँ पे दो लोग उनके जीवन में मसीहा बन के आए। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जब बड़ौदा के लिए खेलना शुरू किया था और उसके बाद जो वहाँ से सस्पेंड कर लिए गए थे, तो उन्होंने अपना स्टेट ही चेंज कर दिया। उन्होंने बड़ौदा की टीम को छोड़ के थोड़े बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट जो होते थे राजस्थान की टीम के लिए खेलना शुरू कर दिए। बट फिर भी उनके मन में ऐसा आने लगा था कि शायद अब उन्हें कोई टीम में जगह नहीं देगा। उन्होंने एक दिग्गज प्लेयर के साथ कॉन्ट्रोवर्सी कहीं ना कहीं क्रिएट कर ली है और ऐसा एक काम कर दिया जिसकी वजह से सस्पेंड हो गए, तो उनके करेक्टर के साथ एक नेगेटिव इमेज जुड़ गई है। बट इरफान पठान और यूसुफ पठान उनके लिए भगवान के रूप में आए, क्योंकि उन दोनों ने उसके टैलेंट को पहचाना और उनका बड़ौदा का जो क्रिकेट स्टेडियम था वहाँ जाके उन्होंने उसका हाथ थामा और उसको लगातार प्रैक्टिस करवाने लगे। मतलब ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई दिग्गज प्लेयर जो रिटायर हो चुका है जाके एक ऐसे यंग प्लेयर के साथ जुड़ जाए जिसके साथ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रखी हो। तो वो दीपक हुड्डा के पास गए, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ आपको पूरी प्रैक्टिस कराएंगे और हम पूरा साथ देंगे क्योंकि हमने आपके अंदर पोटेंशियल देखा है। उन्होंने दीपक वो पूरा जो खुद इरफान पठान की जो लैंग्वेज है उसमें वो बताते हैं कि दीपक हुड्डा के साथ हम 8-8, 9-9 घंटे प्रैक्टिस करते थे। और सेम चीज़ क्लेम करी जाती है दीपक हुड्डा के द्वारा भी। उन्होंने बताया कि उस समय अगर इरफान पठान और यूसुफ पठान ने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो शायद मैं तभी क्रिकेट को छोड़ चुका होता। और वो बताते हैं कि खुद इरफान पठान आके मुझे बोलते थे कि तुम बॉलिंग पे भी टाइम लगाओ, बॉलिंग पे भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम बॉलिंग आज पार्ट टाइम बॉलर बन सकते हो, तुम ठीक ठाक बॉलिंग करा लेते हो। और साथ ही साथ बैटिंग में वो लगातार मुझे 8-8, 9-9 घंटे बॉलिंग करा के जब इरफान पठान रिटायर हो चुके थे, बॉलिंग करा के उनको प्रैक्टिस कराते थे। क्योंकि इरफान पठान की एक बहुत ही अच्छी चीज़ कहने की थी कि मैंने इसके अंदर ये बात देखी थी कि इसको पैसों से या फेम से किसी चीज़ से मतलब नहीं था, इसको था कि बस सर मुझे क्रिकेट खेलना है, बस मुझे मेहनत करनी है, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो इसलिए हम दोनों ने इसका हाथ थामा। पर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा दीपक हुड्डा के लिए चीज़ें चेंज नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद भी उनको एक मन में था कि अब पता नहीं मैं IPL में खरीदा जाऊंगा भी नहीं खरीदा जाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो मंच होता है आज के टाइम पे युवा के लिए IPL में ही होता है। वहीं पे वो अपनी छाप छोड़ सकता है जहां से एक उसे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है मिलता है। बट वहां भी फिर उसके लिए एक और जो
बन के आए वो थे अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने उन पे भरोसा दिखाया और पंजाब ने उनको खरीद लिया। पंजाब में उनका जो परफॉर्मेंस रहा, जाहिर सी बात है, बहुत डिसेंट रहा, क्योंकि वो छठे सातवें आठवें नंबर पे बैटिंग करने आते थे, जहां उन्होंने लगभग 12 मैचों में 160 रन बनाए और 2 विकेट करीब लिए। बट वहां पे डिसेंट परफॉर्मेंस के बाद जब वापस राजस्थान के लिए वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने उतरे, तो वहां पे उन्होंने 74 की एवरेज से लगभग 6 मैचों में 270 रन जड़ दिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए। मतलब बंदे के साथ पहले एक शहर, एक स्टेट के लिए जहां वो खेलता था वहां कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद उसने स्टेट बदला और वो स्टेट बदल के उसी ट्रॉफी में उतरा और उसमें उसने इतना जानदार परफॉर्मेंस दिया। बट और भी बढ़िया तब हो गया जब उसके बाद उसी स्टेट के लिए विजय हजारे ट्रॉफी हुई, तो वही दीपक हुड्डा उस टीम के लिए कप्तान बन के उतरे। मतलब एक स्टेट ने उनको, जो भी उनके कैप्टन थे कृणाल पांड्या, उन्होंने कुछ उनके साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उनको निकाल दिया था। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा मन बना लिया था कि आज के बाद शायद मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। उसके बाद फिर भी वो दूसरी टीम में गए, वहाँ के लिए खेले, वहाँ के लिए अच्छा परफॉर्म किया और फिर जाके उसी टीम के कप्तान बन गए। तो इतनी सारी मेहनत का फल शायद भगवान ने उनको दिया है कि वो वापस इंडिया की टीम में आए, क्योंकि 2017 में भी उनको इंडियन टीम के लिए खेलने का मौका मिला था, बट वो प्लेइंग 11 में नहीं आ पाए थे। बट फिर से ऊपर वाले ने उनकी शायद इस के लिए उनको ये उपहार दिया है। हो सकता है वेस्टइंडीज के खिलाफ उनको टीम प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिले या ना मिले, बट मेरा ये स्टोरी को बताने के पीछे बस एक ही मोटिव था कि हम कभी भी कितनी भी हिम्मत हार जाए, हमारे साथ कितना भी बुरा हो जाए, हमें लगे कि साला कुछ भी नहीं हो सकता, बट फिर भी दीपक हुड्डा की कहानी बताती है कि जान है तो जहां है, कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और हम थैंक्स करते हैं इरफान पठान, यूसुफ पठान और अनिल कुंबले जैसे लेजेंड्स को, जो क्रिकेट से तो फिर भी दूर हो चुके हैं बट स्टिल वो अपना कंट्रीब्यूशन किसी ना किसी तरीके से फिर भी टीम के लिए दे रहे हैं। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, खासकर जो यूसुफ पठान और इरफान पठान ने किया। मुझे लगता है बहुत लोग को ये नहीं पता था जब मैंने बताया कि ऐसा उन्होंने दीपक हुड्डा के साथ किया, जब उन्हें एक दिग्गज प्लेयर के साथ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी थी, एक स्टेट के बोर्ड ने उनको निकाल दिया था, फिर भी उनके साथ जाके पर्सनली उन्होंने प्रैक्टिस करी, घंटों उनको सिखाया, क्योंकि अनिल कुंबले और इरफान पठान, यूसुफ पठान का सिंपल सा यही रीज़न था कि ये बंदा बस खेलना चाहता है, इसे कोई मतलब नहीं है फेम से, किसी चीज़ से, बस ये खेलना चाहता है। तो ठीक है, बहुत लोग जैसा मैंने कहा कि इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे कि उनकी जगह बनती है या नहीं बनती, उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बट कीपिंग असाइड हमें इस चीज़ के लिए दीपक हुड्डा को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप कर सकते हैं, जोशी तो बोलेगा पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।